हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फिनेंशियल बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, किससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। TCS के रिजल्ट आ गए हैं, किस कैसे रिजल्ट आए हैं, कैसे रिजल्ट निकालते हैं, वो सब चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बट बिफोर दैट, आपसे वीडियो शुरू करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल, जो आपका खुद का भी चैनल है बॉस ऑफ फिनेंशियल बाज़ार, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज मैंने अभी एक वीडियो डाली है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बहुत बेहतरीन शेयर है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो डाली है। इस वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है, शायद आपको पैसे आपके डबल होने के चांसेस है। एक साल में बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस दे सकता है। बट बिफोर, और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि फ्री में डीमैट अकाउंट एज वेल एज जीरो डिलीवरी चार्ज ही, बहुत अच्छा कस्टमर सर्विसेज एज वेल एज बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता ही है, TCS के रिजल्ट्स आ गए हैं। TCS देखिए क्या भागा है, लगभग 80-90 रुपीज़ का यहाँ पर जंप भी है और काफ़ी अच्छा ये। और अगर हम एक साल की बात करें तो काफ़ी कंसोलिडेशन फेज के चलने के बाद फाइनली देखिए क्या अच्छा खासा इसने रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को, आप खुद देख सकते हैं। अगर हम बात करें 6-7 महीने की, तो लगभग 88-90% के मल्टीबैगर रिटर्न्स इसने विद इन 9 मंथ्स में आपको देते हुए नजर आया है। तो ये है इस शेयर की ताकत, और मैक्सिमम भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ये शेयर है। बट हम बात कर रहे हैं Q3 के रिजल्ट की, तो देखिए पहले तो न्यूज़ ही दिखा देता हूँ सीधे। काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न्स आपको मिलते हुए नज़र आए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 8701 करोड़ रुपीज़ का काफ़ अच्छे, मतलब राइजिंग जो हुआ है 16.4% सिक्वेंशली एंड 7.1% ईयर ऑन ईयर, बैक्ड बाई स्ट्रॉन्ग डिमांड लेड रिवेन्यू ग्रोथ। तो अच्छा खासा इनका रिवेन्यू ग्रोथ हुआ है, इसके रिजल्ट्स हम देखने वाले हैं। तो कैसे निकालते हैं रिजल्ट्स, पहले आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना TCS, यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे, जैसे कि TCS आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, तो नीचे देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट में यहाँ पर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर दे रखे। ओके, आप यहाँ पर किसी पे भी आप यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका ये, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका एक पेज ओपन होगा जो कि इस तरीके का पेज है। तो वहाँ पर आपको रिजल्ट्स पता चल जाएगी। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको डिविडेंड दिया है, मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी बार आपके यहाँ डिविडेंड है। अगर बात की जाए कितने रुपए का, तो 6 रुपये का डिविडेंड है पर इक्विटी शेयर का, जिसकी फेस वैल्यू 1 है। तो 6 रुपये का आपको डिविडेंड मिला है, जिसके पास भी शेयर है कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड अच्छा खासा गेन तो मिला ही मिला है, डिविडेंड भी मिला है। और बायबैक की भी न्यूज़ आपको पता ही है, कुछ टाइम पहले आई थी, इससे रिलेटिव मैंने वीडियो आपको बनाई थी, तो ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा तो आपको मिल जाएगा। तो आप सीधे हम चलते हैं यहाँ पर इसके रिटर्न रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो कैसे रिजल्ट्स है, आई थिंक आपको सब दिख रहा होगा। ये देखिए कंसोलिडेट रिजल्ट है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, कंसोलिडेट इंटरिम स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है December 31, 2019 के है। ओके, यहाँ पर जो रिजल्ट्स है 31 December 2020 के है, और यहाँ पर September 2020 के रिजल्ट्स है, जो कि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है, Q2 के रिजल्ट है। तो एक बार रिवेन्यू देखिए, रिवेन्यू से जो इनकम आती है ना वो मायने रखती है, इधर उधर से जो इनकम आती है उससे ज़्यादा। तो देखिए रिवेन्यू यहाँ पर दे रखा है, तो रिवेन्यू से जो 2019 दिसंबर के क्वार्टर में जो रिवेन्यू था लगभग 39,000 करोड़ का था। ओके, एज वेल एज अगर हम बात करें इस क्वार्टर की, तो देखिए 42,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर ये अगर देखिए रुपीज़ दे रखा है करोड़ में, तो 42,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर रिवेन्यू हुआ है इस क्वार्टर में। और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर केवल 4,135 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर रिवेन्यू था। देखिए ईयरली बेसिस पे एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। अदरवाइज और अदर इनकम की भी बात करें हम, तो देखिए 818 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर था, एज वेल एज अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें 914 करोड़ रुपए, और अदर इनकम की बात करें इस क्वार्टर की तो 691। तो अदर इनकम को हम नहीं पकड़ते, अदर इनकम को हमें पकड़ना भी नहीं चाहिए, हमें जो पकड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, की कोई चीज़ है, कोई कंपनी है, किससे रिवेन्यू कम करती है, उनका काम क्या है, उससे क्या रिवेन्यू आ रहा है, उसी से हमें अच्छा फ़ायदा होता है। देखिए वहाँ पर जंप हमें दिखाई गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। टोटल इनकम देख ले तो 42,000 करोड़ की, यहाँ पर 41 और यहाँ पर 40। तो ईयरली बेसिस पे एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर सीधे जंप हम देख सकते हैं। एज वेल एज अगर हम एक्सपेंस की बात करें,
तो टोटल एक्सपेंस पे देख लेते हैं, तो लास्ट ईयर 29,880 करोड़ रुपए का था, लास्ट क्वार्टर 29 मतलब 29,620 करोड़ का था, और अभी लगभग 30,831 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंस होता हुआ हमें नज़र आया है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं, या प्रॉफिट फॉर द पीरियड कह देते हैं, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं पहले एक बार, तो लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर था देखिए 10,569, इसके बाद लास्ट क्वार्टर 10,037, और अभी लगभग 11,692 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और अगर हम टैक्स वगैरह सब कुछ काट के अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ओके प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को, तो देखिए 8,143 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर था 2019 दिसंबर में, और इस सितंबर इस क्वार्टर में 2020 में 7,504 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। एज वेल एज अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ दिस टाइम मतलब क्वार्टर थ्री का जो अभी का है, जो कि 8,727 करोड़ रुपए, जो कि ईयरली बेसिस पे लगभग 600 करोड़ कह सकते हैं, 600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जंप देखी गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगले पिछले साल से, तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 1,200 करोड़ रुपये का लगभग लगभग यहाँ पर जंप होती हुई नज़र आई है क्वार्टरली बेस पे, तो जो कि काफ़ी 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 अच्छी बात है। और ऐसी ही कंपनी एक्सेंचर ने जिस तरीके रिजल्ट दिए थे, उससे पता चल गया था कि आईटी के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, तो इस वजह से टीसीएस जो पहली इंडिया की नंबर वन आईटी कंपनी है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हुए आपके सामने नज़र आते हैं। अगर हम बात करें इक्विटी पर शेयर की, ओके तो इक्विटी पर शेयर पर अगर हम यहाँ पर देख लेते सीधे, एक मिनट देख लीजिए, अर्निंग शेयर पर शेयर देखिए यहाँ पर दे रखा है। अर्निंग पर शेयर अगर हम बात करें 21 रुपये का अर्निंग पर शेयर था, ओके वो कितना ये था लास्ट ईयर, ओके 2019 दिसंबर में ये लास्ट क्वार्टर था 19.93 रुपीज़ का, और अभी देखिए 23.19। अगर आपको अगर रिजल्ट्स नहीं आता, सिंपल अगर हम इक्विटी पर शेयर भी देखते हैं ना, कि इक्विटी पर शेयर में हमें क्या अगर बढ़त बढ़त दिखाई देती है, तो आप समझ लेना कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। तो ये देखिए ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर जंप नज़र ईपीएस में भी जंप दिखाई देती है नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे कि आपको पता ही है 6 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई कंपनी नज़र आई है, 12 लास्ट ईयर 5 रुपये का दिया था, इस बार 6 का दिया, और लास्ट क्वार्टर 12 रुपये का यहाँ पर आपको रिटर्न आपको डिविडेंड देते हुए हमें नज़र आती है कंपनी। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे आए हैं, और जैसे कि बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट जो बताते हैं ना, कि बता रहे थे कि इतना रिजल्ट देंगे इस तरीके से, तो उससे सारी मार्केट की जो रेस है उसको बीट करते हुए, ओके इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर पेश करे। अगर आपको शोर आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर देख ले, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर इंक्रीज 4.7% सिक्वेंशली टू ₹42,015 करोड़, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस वाज 5.54% फॉर द क्वार्टर। तो देखिए रिजल्ट्स इनके काफ़ी अच्छा है। अब जिस रिटर्न्स जिस रिजल्ट की बात हम बातें कर रहे हैं, अब रिटर्न्स रिजल्ट आने वाले इन्फोसिस एससीएल विप्रो के, जो कि अगले वीक में आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, एक मिनट दे दीजिए मुझे, तो आप अगर हम आज के दिन की भी बात करें, तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर लगभग 30% की डिलीवरी बेसिस पे 17,54,802 करोड़ रुपए 802 शेयर यहाँ पर उठाते हुए डिलीवरी बेसिस पे हमें नज़र आया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है 30% के शेयर। तो देखिए प्राइस तो बड़ा ही बड़ा है, डिविडेंड भी दे दिया है, और टीसीएस के रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए हैं। और अब जो अच्छे रिजल्ट्स आने हैं वो दूसरी आईटी कंपनीज के आने हैं, जिस जो हमें देखना है, जैसे कि लास्ट क्वार्टर में आए थे, इस तरीके से आगे क्वार्टर में इन्फोसिस एससीएल और डिफरेंट कंपनीज के रिजल्ट्स आते हुए हमें नज़र आएंगे। और जो कि टीसीएस ने बता दिया है कि अच्छे रिजल्ट्स आना, उसने बता दिया कि हाँ अच्छे रिजल्ट्स आने हैं, तो इन्फोसिस विप्रो एससीएल और भी डिफरेंट कंपनी टाटा इलेक्सी के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, जो कि टीसीएस मतलब टाटा ग्रुप की कंपनी है, वो भी आईटी कंपनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, उसे क्लिक करिएगा तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ ओपन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।